নমস্কার শুভ সন্ধ্যা নিউজ ভ্যান পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই বিশেষ অনুষ্ঠানে আমরা এতদিনে জেনে গেছি বিশেষ মানে কি বিশেষ অনুষ্ঠানটার বিশেষত্বটাই বাকি বিশেষ হচ্ছে এমন একটি অনুষ্ঠান যে অনুষ্ঠানে আমরা কখনো সমাজের বিশেষ মান মানুষগুলোকে তুলে ধরি আবার কখনো বা বিশেষ কোনো ব্যক্তির বিশেষ কাজটিকে তুলে ধরি আবার কখনো বা বিশেষ কোনো কর্মযজ্ঞকে তুলে ধরি আর আজকে এমন একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে আমরা রয়েছি তা হচ্ছে আমরা সবাই জানি যে আমাদের এখানে এনএসডি এস এন এগুলোর যে সংস্থাগুলো সেগুলো রয়েছে কিন্তু নেই ললিত কলা কেন্দ্র আমরা আজ সেই আনন্দ ঘন মুহূর্তে উপস্থিত আমরা সামনেই আমাদের রাজ্য পেতে চলছে ললিত কলা কেন্দ্রের একটি অফিসকে এবং সেটাকে কেন্দ্র করে আজকে আমাদের এই বিশেষ অনুষ্ঠান এই মুহূর্তে আজকে আমরা রয়েছি বিশেষ ব্যক্তিত্ব ললিত কলা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান উত্তম পাচারণীজির সাথে নমস্কার 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 आज बातचीत যে ना पहले হ্যাঁ না केंद्र ললিতকলা কেন্দ্র पहले आपको পেহলে से বাসে जानना চাহতো ललित कला केंद्र इस देश का नेशनल ललित कला एकेडमी के रूप में जाना जाता है ये दिल्ली में स्थित कार्यालय है कल्चर मिनिस्ट्री के अंडर आता है अभी जो हमारे मिन, आ, मिनिस्टर है डॉक्टर महेश शर्मा जी उनके अंडर आता है ललित कला एकेडमी एक स्वायत्त संस्था है इसका आ, इस देश में स्थापना हुई नाइनटीन 59 में दिल्ली में हुई और आधुनिक कला शैली का एक तंत्रबंद बंद विकास करने के लिए राष्ट्रीय आर्ट कलेक्शन के लिए और एक निश्चित रूप से कला के बारे में सरकार का जो धोरण होता है उसका इम्प्लीमेंट करने के लिए आने वाले इस देश बहुत बड़ा है कई आर्ट कॉलेजेस है वहाँ से कई स्टूडेंट निकलते हैं उनको प्रमोशन देने के लिए राष्ट्रीय स्तर की नेशनल अवार्ड जैसी प्रदर्शनी करने के लिए इस केंद्र की शुरुआत में स्थापना हो गई बाद में त्रैवार्षिक भारत जैसे कार्यक्रम ललित कला एकेडमी ने किए और त्रैवार्षिक भारत के रूप में जो जो भी इस देश में कार्यक्रम हो गए हैं पूरे दुनिया में इसको सहारा गया है आज ये जिम्मेदारी एज अ चेयरमैन मेरे ऊपर है बा, आ, तो अभी मैं जानना चाहूंगी ये ललित कला का ये चेयरमैन अभी आप है जी। तो आपका कोई तो विशेषत्व तो है आप, अप, आपको मैं आपका मैं तो क्या है आ, ये आर्ट का बा और आपका इसमें चेयरमैन पद के लिए हाँ। थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ तो है आपके आपका बीच हाँ। में तो इस बारे में कुछ बताइए ऐसा मैं महाराष्ट्र से आता हूँ बहुत ही प्रसिद्ध जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में हो गई मैंने वहाँ स्कल्पचर का एजुकेशन लिया मेरे पिताजी भी है वो उसका कारण रहा और एक ऐसा योग रहा जीवन में कि आफ्टर माय एजुकेशन मैं बहुत ही फेमस जो अठारह में बॉम्बे सोसाइटी के नाम से इस देश में एक संस्था स्थापन हुई जिसने एक ऐतिहासिक काम किया है करीबन 23 साल में संस्था से जुड़ा रहा और कला क्षेत्र में भी एक अच्छा काम करने का एक मौका मुझे मिला वहाँ का बॉम्बे सोसाइटी का एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बनना था और उस काम के लिए हमने अपना कई साल योगदान दिया वो कॉम्प्लेक्स बना और लास्टली जाके तीन साल पहले बांद्रा में स्थित बॉम्बे सोसाइटी का एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स वगैरह बना व्यावसायिक रूप से शिल्पकार होने के नाते राष्ट्रीय अवार्ड विनर हूँ शिल्प वाह और मैं जेजस स्कूल ऑफ आर्ट का गोल्ड मिस्ट रहा और मेरे अपने कंटेम्प्रेरी स्कल्पचर के बहुत सारे शो किए हैं इसके साथ साथ में সামাজিক ছোটাসা বা দর্শক বন্ধুরা আমরা বুঝতেই পারছি এই মুহূর্তে আমরা যে ব্যক্তিত্বের সাথে যে ব্যক্তিত্বের মুখোমুখি আমরা রয়েছি এবং শুধু উনি শিল্পী নন এবং পুরো শিল্পত্বকে উনি ওনার মতো করে সাজিয়েছেন এবং সেই রূপদানে উনি সিদ্ধহস্ত এবং উনি গোল মেডেল পেয়েছেন এবং সেই সম্মানে আজকে উনি সম্মানিত আমরা আমাদের ভীষণ ভালো লাগছে আজকে এই অনুষ্ঠানে ওনাকে আমরা পেয়েছি স্কেবাদ বাদ মে है ललित कला ললিতকলা কেন্দ্র से সোচা নর্থ ইস্ট মে ইয়ে কেন্দ্র স্থাপিত करना है इसके बारे में कब से सोचा से सोचा ललित कला एकेडमी का ये स्वरूप है कि हमारे पांच पूर्णता विकसित केंद्र इस देश में है। एक दिल्ली में है दूसरा चेन्नई में है तीसरा भुवनेश्वर में है एक हमारा कलकत्ता में है और लखनऊ में है और बाकी के जो विकसित केंद्र है वो शिमला में है अच्छा हम पटना में भी थोड़ा चालू किया है और मुंबई में बनाने का बहुत एक 40 साल वहाँ के कलाकारों का एक जो सपना था वो हाल में हमारे केंद्रीय मंत्री ने कल्चरल मिनिस्टर ने डॉक्टर महेश शर्मा जी ने कहा है कि आप लोग मुंबई में और इंदौर में और त्रिपुरा में अगर कला में ये केंद्र चालू करिए और इस मुताबिक केंद्रीय मंत्री के डायरेक्शन से आ, उनके ह्यूज से और ललित कला एकेडमी ये चाहती थी कि हमारा जो कलकत्ता का सेंटर था उसके ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ था ये आठो छोटे प्रांत थे और और बहुत दूर ऐसा लंबा एरिया है, और एक सेंटर के लिए इतने बड़े सेंटर चलाना और उसका विकास करना हमारे भी दिल में आते ही पता चला मुझे कि मुश्किल है एक सेंटर कितना काम कर सकता है तो इस रीजन का ज्यादा से ज्यादा फायदा हुआ शांति निकेतन और कलकत्ता में हुआ कलकत्ता सेंटर का और थोड़ा बहुत ही फायदा होता था मैंने 15 अगस्त के दिन हमारे संस्कार भारती के राष्ट्रीय कार्यवाहक माननीय श्री अमीर चंद जी ने मुझे यहाँ लाया था और उन्होंने कहा था मुझे कि ये बहुत सारे प्रदेश है यहाँ इतनी सारी जनजातियां है और आधुनिकता के साथ में इनके कला को यहाँ स्वीकारा नहीं जाता है क्राफ्ट में गिना जाता है इसके विकास के लिए आप कुछ करिए अच्छा तो मुझे जब यहाँ लाया था तो मीटिंग में आ, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री विप्लब कुमार देव जी ने कहा कि हम लोग यहाँ एक केंद्र की मांग कर रहे हैं। हमारे लिए एक छोटा सा केंद्र बना लीजिएगा लेकिन मैं ये जानता था कि ये सेवन सिस्टर एरिया जो है पूरा हमारा उत्तरांचल का पूर्वोत्तर का एक विंग है और कई कलाकार है हम नाम सुनते थे हमारे कमिटी में मेम्बर आते थे और उतना ही उनका सहभाग होता था उसी वक्त हमने मीटिंग में यही कहा था कि हम आपको पूरा उत्तरांचल के लिए ये पूर्वोत्तर के लिए हम अगरतला में एक सेंटर खोलेंगे और इसी की सोच में मुख्यमंत्री से हमने कहा अगर इस सेंटर के लिए सुटेबल अगर जगह देती है गवर्नमेंट और वो जगह ललित कला के साथ में उसका टाइप होता है टाइटल हुँ, मिलता हुँ, हुँ. है तो हमारा एक धोरण है ललित कला एकेडमी उसके लिए फाइनेंस भी करेगी यहाँ कैंड सेटअप भी करेगा यहाँ कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट के लिए यहाँ रेसिडेंस स्टूडियो खोलेंगे बच्चों के लिए मार्गदर्शन के तौर पे उनको यहाँ छोटे छोटे टाइम के स्लैब बना के रिसर्च स्कॉलरशिप के अंदर वर्कशॉप दिए जाएंगे यह सेंटर खुलता है तो आजू बाजू के जो प्रदेश है जैसे आसाम है मणिपुर है वहां भी एग्जीबिशन जाएंगे वहां भी कैंप होंगे जिसका नेतृत्व यहाँ के सेंटर के हाथ में होगा तो हो धीरे धीरे इस प्रदेश का कला क्षेत्र का कलाकारों का और समाज जीवन में कला का जो महत्व है वो द्विगुणित होते रहेगा और कलाकारों को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा इसमें चित्र भी आता है ग्राफिक भी आता है स्कल्पचर भी आता है इंस्टॉलेशन जैसी भी कलाकृतियां यहाँ आती है और ये सभी का विकास करने के लिए ललित कला एकेडमी के पास अपने प्रोग्राम होते हैं उसके मुताबिक ये सेंटर चलता है यह हमारा स्टाफ रहेगा और जो भी दिक्कतें हैं केंद्र सरकार का जो हमारा कल्चरल डिपार्टमेंट है और यहाँ की सरकार आ, उसको ठीक करके ये केंद्र हम चलाएंगे और कुछ ना कुछ एक बहुत मजबूत ऐसा काम ललित कला एकेडमी यहाँ करेगी। आम्रा बुस्ती पालाम जे आमदेश जोनो इटा परोम शोभा को जे जा जोनो आम्रा রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে বর্তমান সরকারকে আমরা ধন্যবাদ জানাব এই কারণে ললিতকলা কেন্দ্রের মতো একটি কেন্দ্র আমাদের রাজ্যে স্থাপিত হতে যাচ্ছে এবং সেখান থেকে অনেক শিল্প যেগুলো হারিয়ে যাচ্ছিলো যে সমস্ত আর্ট হারিয়ে যাচ্ছিল সেগুলো আবার আমরা ফিরে ফিরে পাব এবং আমাদের আশেপাশে যে সমস্ত ছোট থেকে বড় শিল্পী যারা রয়েছেন তাদেরও কাজের ক্ষেত্রটা অনেকটা অনেকটা বেড়ে যাবে সেটা আমাদের একটা গর্বের ব্যাপার আপি মেয়ে যা জাননা এ ট্রাইবেল আর্ট যো না ত্রিপুরা মে বহুত সারা জনজাতি গোষ্ঠী হ্যাঁ তো ইয়ে ট্রাইবেল আর্টকে लिए ললিত কলা কেন্দ্র কেইসে काम किया करेंगे फ्यूचर में हाँ ये बहुत जरूरी है इसके बारे में जानना ये पूरा जो सात आठ जो छोटे छोटे देश है ज्यादा से ज्यादा इसमें ट्राइबल आर्ट जो है काफी विकसित हुई है परंपरागत शैली में लोग अपने तरह से काम करते हैं इसमें आ, क्राफ्ट ज़्यादा है बम्बू का क्राफ्ट है कार्विंग है इसमें और भी तरह के लकड़े में संगीत वाद्य वगैरह ये भी बनाए जाते हैं और काफी फिगरेटिव वर्क भी इसमें होता है और इनके अपनी अपनी एक अलग विशेषता भी है और, और ये संख्या में ओन क्रिएटिविटी है एक ट्राइब्स के अपने एक सिंबॉलिक ऐसे फॉर्म रहते हैं और उसमें वो अपना विषय रखते हैं ये पहले से चलते आया है अलग अलग ट्राइब अपने जमीन से जुड़ी हुई कथाए कला कलाकृति के द्वारा वगैरह आर्ट फॉर्म में वो रखते हैं। ललित कला एकेडमी को आ, इस बात के लिए आ, एक बहुत बड़ा काम करने का मौका है हम केवल पढ़े हुए आर्टिस्ट के लिए और फील्ड में ललित कला केंद्र का सोच क्या है ये सोच क्या है, है ये सोच है कि धीरे धीरे ट्राइबल आर्ट है जो फैमिली से आती है जो ट्राइब्स है आज उनके बच्चे कम पड़े हुए होने की वजह से वो शहर की तरफ जा रहे हैं। आज जो घर के अपने माता पिता है उनकी कलाकृति है या वो ट्राइबल मोहली की कला है धीरे धीरे उम्र के हिसाब से वो आर्टिस्ट भी बुढे होते जा रहे हैं हम ये चाहते हैं, ये कलाकृतियां और ये ट्राइब्स अगर कला के रूप में जीवित रहना है तो उनके बच्चों के लिए ललित कला एकेडमी ने एक प्लानिंग करके ढंग से कलाओं को बढ़ावा देने के लिए काम करने की जरूरत है हमने ये सोचा है इस ललित कला रीजनल सेंटर में हमारा पहला ऐसा सेंटर होगा कि जिसमें ट्राइब्स के लिए हमने प्रावधान करना है और उसके लिए हमने काम भी चालू किया है ट्राइबल मिनिस्ट्री से कहा है कि आपके मिनिस्ट्री के अंडर इनके विकास के लिए बहुत सारे फंड होते हैं वो हमें दे दीजिएगा उनके लिए यहाँ हम सेंटर वगैरह बनाएंगे सेंटर बनाएंगे का मतलब क्या है तो उनके हाथ में उनकी कलाकृति का करना ये बात जरूरी है लेकिन ये ट्राइब से लोग आते हैं बहुत स्किल क्राफ्टमन होते हैं हमारे यहाँ से बहुत सारे आजकल टाइम के साथ में एक टेक्निकली सुधार भी आ रहे हैं उदाहरण के तौर पे हम आपको कहेंगे कि हम बहुत सारे हमारे देव देवताओं के छोटे-छोटे छोटे-छोटे प्रोडक्ट हम चाइना से कोरिया से मंगाते हैं ये सब लेजर और सीएनसी प्रोडक्ट है बराबर है उनके अपने कलाकृतियां वगैरह इसका प्रोडक्टिव कैसे होगा कम टाइम में ये ट्राइब्स अपने रोजगार निर्मिती की तरफ वगैरह किस तरह से स्किल में काम करेंगे और अपनी कलाकृतियों को भी कैसे जीवित रखेंगे उसमें भी कैसे काम करेंगे इसके रूप में ललित कला एकेडमी एक सेटअप करेगी एक सिलेबस करेंगे और बहुत तांत्रिक ढंग से उसको रूप दिया जाएगा और एक दूसरी बात होगी कि हमारे कंटेम्प्ररी सेंटर के जो सीनियर आर्टिस्ट है रेसिडेंस आर्टिस्ट है नए आने वाले स्टूडेंट है उनके साथ में उनका एक इंटरेक्ट होगा सोच होगी बैठक होगी आदान प्रदान होगी दोस्ती होगी और अपने कला का मार्केटिंग कैसे करते हैं अभी अभी ललित कला एकेडमी के आ, माध्यम से आ, न, हमारा कल्चर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने कहा है कि हम लोग जहाँ ये बनती है उसका हम नेट मार्केटिंग करेंगे उसके लिए एक यूनिट सेटअप रहेगा जो जो भी कलाकृति और जो जो भी क्राफ्ट यहाँ बनेगा उसका हम आधुनिक ढंग से वगैरह मार्केटिंग करेंगे जैसे अदर चीज का मार्केटिंग होता है आज बहुत सारे पेंटिंग स्कल्पचर अपने गांव में रह के भी पूरे आर्टिस्ट दुनिया में सेल करते दूसरे गैलरी के साथ अप्रोच है, होते हैं और मुझे विश्वास है कि ट्राइब आर्ट के लिए भी एक सुनहरा मौका बहुत ही जल्दी मतलब दुनिया के सामने आने का हम प्राप्त करके देंगे उसके लिए हमारी सोच बहुत परफेक्ट है हमारे ही जो सीनियर आर्टिस्ट है उनको मार्गदर्शन भी करेंगे और उनके ट्राइब से भी जो सीनियर क्राफ्ट्समैन है उन्हीं के साथ में एज ए गुरु करके उनको हम यहाँ अपॉइंट करेंगे और हमारा पूरा उसके लिए ध्यान रहेगा मार्केटिंग के लिए रहेगा विकास के लिए नॉट ओनली त्रिपुरा बाजू में जो भी ये पूर्वोत्तर के जो क्षेत्र है सभी आर्टिस्ट के लिए ये संधि वगैरह हम देंगे और ये क्षेत्र का विकास हम लोग बढ़ाएंगे और इसके लिए ये जरूरी है कि आज जो हम लोग ललित कला एकेडमी का तेईस तारीख को एक फाउंडेशन स्टोन वगैरह बिठा रहे हैं उसमें ये सब चीज की घोषणा हम करने वाले हैं आज के हमारे साथ है विशेष अनुष्ठान के विशेष व्यक्तित्व ललित कला केंद्र के चेयरमैन उत्तम पाचार्य नेजी जाबो अबार आज के विशेष अतिथि के কাছে अभी मुझे जो जानना है यह है नॉर्थ ईस्ट फेस्ट क्यों करना है इसका उद्देश्य क्या है नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल इसके लिए करना है एक विविध पूर्ण के विविधता से भरा हुआ ऐसे ये प्रांत है सभी छोटे छोटे हैं लेकिन अपनी विविधता है और आर्टिस्ट भी जानते हैं कि सोसाइटी में जाके हम लोग नया क्या फील पाते हैं जैसे कि यहाँ का गीत है यहाँ का डांस है और इस सोसाइटी को हम कैसे जुड़ जाते हैं तो हमारे लिए भी एक देश के सामने इनकी विविधता एक रखने का मौका होता है इसके साथ में ये फेस्टिवल करने का ये भी उद्देश्य था कि ज्यादा से ज्यादा आर्टिस्ट हम लोग नॉर्थ ईस्ट तो से ले ताकि उनको कम मौका मिलता है एक दे कैम्प में हार्डली एक या दो आर्टिस्ट एक एक आ, स्टेट से वगैरह आते हैं ललित कला केंद्र इस फेस्ट में कैसे जोड़ा हुआ है और कैसे काम करता है ललित कला केंद्र का ही कार्यक्रम है ये फेस्टिवल का ऑर्गेनाइजेशन इस फेस्टिवल ऑर्गेनाइजेशन के, के लिए नॉर्थ ईस्ट के लिए हमारे पास आ, स्पेशल फंड है अच्छा तो जैसे इसका जो आयोजन हो रहा है डायरेक्ट दिल्ली से हो रहा है अच्छा हाँ अदरवाइज इसके दूसरे जो आयोजन होते हैं कैम्प के वगैरह वो कलकत्ता सेंटर से होते हैं अच्छा लेकिन नॉर्थ ईस्ट को केंद्र ने एक स्पेशल फंड दिया है उसका स्पेशल निधि होता है और वो यहाँ यूज करना हमारे लिएउंडेड है उसके मुताबिक इस है। है। हाँ, करना करना हाँ। बहुत प्राउड की बात है कि यहाँ की जो विविधता है हम जो देख रहे हैं ये सरप्राइज करने वाली है लोग बहुत एक हुनरबाज है काम के प्रति उनका काफी लगाव है उनको सीखना है उनका रिटर्न आंसर कुछ नहीं सर हमको मौका दीजिए हम लोग काम करना चाहते हैं ये कि सभी बच्चों का कि सर हमको क्या में लीजिए पढ़े लिखे हमको कोई चांस नहीं मिलता है ज्यादा करके तो इस मुताबिक हर आर्टिस्ट काम के लिए आ, काम करना चाहता है काम करना चाहता है बहुत सारे हुई आर्टिस्ट है, हाँ, हाँ. लेकिन उनको शहर के आर्टिस्ट के मुताबिक इनको इतना संधि नहीं मिलता है ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सर ये ललित कला केंद्र आर्टिस्ट के लिए क्या क्या करता है और इससे इससे आर्टिस्ट लोग को क्या स्कोप मिलता है ललित एकेडमी के कई प्रोग्राम है कला नए कलाकारों को और बुजुर्ग कलाकारों को भी प्रमोट करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम का आयोजित करते हैं उसमें से एक दो तीन इम्पोर्टेंट कार्यक्रम ये है कि हर साल हम राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन करते हैं अच्छा देश भर में कलाकार इसमें भाग लेते हैं स्पर्धा होती है और ऐसे हम लाख लाख रुपए के अवार्ड इसमें रखे अच्छा और यहाँ पंद्रह अवार्ड से सम्मानित होते हैं साथ में कोई दूसरे भी पुरस्कार वगैरह होते हैं अच्छा जैसे कि इस साल का एग्जीबिशन मुंबई में होने जा रहा है महाराष्ट्र में इसी वक्त कला मेला का भी आयोजन होता है जो आर्टिस्ट सिलेक्ट नहीं होते हैं वो कला मेला में अपनी कलाकृति प्रदर्शित करते हैं तो उनको भी एक एग्जीबिट एक होने का मौका मिलता है अच्छा बड़े अनुभवी कलाकारों को हम कैंप के लिए निमंत्रित करते हैं स्कल्पचर कैंप होते हैं ग्राफिक कैंप होते हैं इंस्टॉलेशन होते है पेंटिंग के कैंप होते है और ये सभी का आयोजन इसके लिए होता है की प्रदर्शनी देखने के लिए महीना एक महीना का कालावधि में प्रदर्शनी चलती है उद्घाटन के लिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जैसे महनतम हस्ती हमारे देश के आती है और एक बहुत ही बड़ा एक कलाकारों को एक मौका मिलता है राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त करने का और उसी वक्त पेंटिंग भी बिक जाते बहुत सारे दुनिया भर के आर्ट गैलरीज वगैरह परचेस के लिए भी आते खुद ललित कला एकेडमी जब ये अवार्ड देते हैं तो कलाकार के लिए एक अपना जीवन का एक साफल्य प्राप्त हो गया ऐसा लगता है कभी मुझे भी अवार्ड मिला था तो उसी तरह से मैं खुशी महसूस करता हूँ कि मैं भी एक नेशनल अवार्ड विनर था तो ये ये तरह का मौका ललित कला एकेडमी युवा कलाकारों को देती है इससे भी एक बड़ा प्रदर्शनी जिसको ट्रेनल ऑफ इंडिया बोलते हैं त्रैवार्षिक भारत प्रदर्शनी दुनिया भर के सवा देशों को हम निमंत्रित करते हैं और उसमें से जितने भी मोस्टली मोर देन कंट्रीज इसमें सहभागी होती है और हमारे देश पे करीबन तीन सौ चार सौ सौ अलग अलग पेंटिंग ग्राफिक में काम करने वाले आर्टिस्ट इसमें सिलेक्ट करते हैं <laughs> हम और इस साल तो ललित कला एकेडमी ने केंद्र से परमिशन मांगी है कि हम लोग हर अवार्ड की कीमत दस लाख रुपए रखेंगे इससे है? आप जान जाएंगे कि ये कितना बड़ा इस देश का इवेंट होता है और दुनिया के लिए भी ये सरप्राइज होता सब है कि भारत कितने आगे जा रहा है कितना बड़ा आयोजन करता है देश विदेशियों के ज़ूरी के हिसाब से जूरी करके ये अवार्ड की आ, चुनाव होता है सम्मान होता है और कई तरह के कला के प्रत्यक्ष अलग देश से आर्टिस्ट आके भी करते ये कला क्षेत्र के लिए और देश के लिए भी एक कला जगत का एक सुनहरा मौका ललित कला एकेडमी आयोजन करते और आने वाले कुछ ही महीने में हम इसका आयोजन करने जा रहे ये बताते हुए मुझे खुशी है और मिनिस्ट्री भी इसके लिए बहुत खुश है। कहा होगा कौन स्थान में होगा जनरली तो ये तय है कि इतना बड़ा कार्यक्रम है हाँ। उसी में भी राष्ट्रपति जी का पंत प्रधान जी का आना तय होता है तो ऐसे कार्यक्रम हम लोग एक या दो कंट्री शहर में उसका आयोजन कर पार्टली अच्छा हाँ मोस्टली तो दिल्ली में रहता ही रहता है लेकिन साथ में एक इसके पीछे ये भी रहता है कि आर्ट टूरिज्म जैसे हाँ। दिल्ली में कार्यक्रम है कुछ जयपुर में प्रोग्राम रखे तो हमारा वहाँ का बहुत अच्छा रिच क्राफ्ट होता है या जैसे लखनऊ में हम इसका कुछ पार्ट रखेंगे लोग वहां भी जाते हैं तो वहाँ का कल्चर है वहां की विविधता वो देखने से और भी ढंग से टूरिज्म भी बढ़ता है जो लोग बाहर से आते केवल दिल्ली नहीं आसपास वगैरह और दिल्ली से रखने से जैसे हमारा शिमला

শুরু হতে যাচ্ছে এবং সেখান থেকে রাজ্যের শিল্পীরা এবং শুধু রাজ্যের শিল্পীরাই নয় আশেপাশের সমস্ত শিল্পীরাই এই ললিতকলা কেন্দ্রকে কেন্দ্র করে তাদের নিজেদের মতো করে তাদের শিল্পকে তাদের শিল্পত্বকে ধরে রাখার একটি সুযোগ পাবে কারণ ললিতকলা কেন্দ্র হচ্ছে এমন একটি কেন্দ্র যেখানে শিল্পী এবং তার শিল্প দুটোকেই সমানভাবে মর্যাদা দেওয়া হয় সমান কদর করা হয় আমাদের अं अनुष्ठान प्राय शेषर दिगे তারপরেও আমাদের সারি एक আর একটি কোশ্চেনই জানা אבי ये जो फेस्ट नेशनल नॉर्थ ईस्ट आर्ट फेस्ट जो चल रही है नुजुल कला क्षेत्र में आ, इसके बारे में कुछ बताइए यहाँ एक 50 आर्टिस्ट काम करे 50 आर्टिस्ट इस देश से आए हैं अच्छा अभी अभी, हाँ, जो, काम अभी जो काम कर रहे हैं अभी जो काम कर रहे हैं और फिफ्टी प्रोफेशनल आर्टिस्ट में से करीबन त्रिपुरा से एक आर्टिस्ट अच्छा। हाँ, और बाकी के देश के देश भाग भी 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 बाक से आए, आए काम इसके, इसके लिए जो भी पेंटिंग तैयार होंगे अच्छा ये पेंटिंग हम मुख्यमंत्री जी ने हमें ये सुझाव दिया था कि अगर बनने वाली कलाकृति है यहाँ क्या करके अगर बनेगी तो ये हमारे असेंबली में वगैरह कलाकृति का आप डिस्प्ले करेंगे वगैरह और वैसे तो कई जगह से वगैरह जैसे राजभवन से भी है और डिप्टी मिनिस्टर की तरफ से भी है कि कुछ पेंटिंग यहाँ भी लगाई जाएगी ये तो प्रदेश का मामला है सीएम जी तय करेंगे लेकिन ये पूरी की पूरी कलाकृतियाँ मुख्यमंत्री के चाहत के मुताबिक हम लोग यहाँ त्रिपुरा सरकार को दे रहे हैं आपको क्या महसूस होता है ये सीएम और डेप्यूटी सीएम इस बारे में कितना सपोर्ट कर रही है फुल हंड्रेड परसेंट बार बार बात होती रहती है हमारी हुँ। हुँ। और उनके कहने से यहाँ ट्राइबल मिनिस्टर आके गए हैं ट्राइब्स के लिए भी उन्होंने उनको फंड मांगा था और करीबन करीबन मोर देन ट्वेंटी करोड़ रुपीस देने की ट्राइबल की है उसी वक़्त मैं हाजिर नहीं था लेकिन मैं ये माध्यम के जरिए से उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपका कदम माननीय ट्राइबल मिनिस्टर जी माननीय भगत जी बहुत ही सुनहरा रहेगा इस क्षेत्र के विकास के लिए आपकी पहल जो है वो चार चांद लगाएंगी और सही मायने में जनजातियों के कला के लिए आपकी ये शुरुआत मानी जाएगी ऐसा मुझे पूर्वोत्तर के लिए लगता है और उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बहुत लगन से इस विषय को पकड़ के रखा और संस्कार भारती के अमीर चंद जी है जो इस विषय को बार बार कहते थे कि उत्तम जी आपको अगरतला में एक सेंटर खोलना है मुझे ऐसा लगता है कल के प्रोग्राम में उद्घाटन में राज्यपाल महोदय ने भी इस बारे में अपना बहुत खुशी जाहिर किया है और सभी तरह से सभी लोगों से आर्टिस्ट से हमें इस बात का एक बहुत बड़ा रिस्पांस मिल रहा है कि हमारे लिए आप जो भी कुछ कर रहे हैं ये सराहनीय है और हम लोग केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा जी और आपको धन्यवाद देते हैं ललित तलो को धन्यवाद देते हैं ऐसी बातें जब सुनने को मिलती है तो मुझे भी अच्छा अच्छा लगता है हम लोग को भी बहुत ही अच्छा लगता है তাহলে আজকের বিশেষ অনুষ্ঠানের বিশেষত্ব কী সেটা আমার বন্ধুরা নিশ্চয়ই বুঝে গেছেন এবং আমাদেরও ভাবতে খুব ভালো লাগছে যে আমরা রাজ্য সরকারের হাত ধরে ললিত কলাকেন্দ্রের হাত ধরে এবং সংস্কার ভারতীর হাত ধরে এমন একটি মাধ্যমকে পেতে চলছি যার সাথে শিল্প এবং শিল্পী তার শিল্পত্ব সমস্ত কিছু একসাথে জুড়ে এক সোনার সুন্দর জগৎকে সবার সামনে তুলে আনতে পারছি সেটাই আমাদের কাছে গর্বের এবং আমাদের কাছে গর্বের আমাদের কেন্দ্রে আমাদের রাজ্যে স্থাপিত হতে যায় চলছে ললিতকলা কেন্দ্র যার মধ্য দিয়ে রাজ্যের শিল্পীরা তার নিজেদের শিল্পত্বকে আবার ঠিক একইভাবে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা করতে পারবে তাহলে আজকে আমাদের অনুষ্ঠান এখানে শেষ করব শেষ করার আগে ধন্যবাদ জানাবো আমাদের সাথে যারা এতক্ষণ ধরে ছিলেন আমাদের এই বিশেষ অনুষ্ঠানে যে সমস্ত দর্শক বন্ধুরা ছিলেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠান শেষ করব অনুষ্ঠান শেষ করার আগে ধন্যবাদ জানাবো চেয়ারম্যানজিকে আপলোক আপকা বহুত কিমতি সময় আমলোকো দেনে বহুত বহুত সুক্রিয়া হে ধন্যবাদ তাহলে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি নমস্কার শুভরাত্রি